नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा कि चाल और वेग को परिभाषित किया था। चाल का हमने सूत्र भी ज्ञात किया था, ऐसा ही मात्रक भी ज्ञात किया था, इसी प्रकार हमने वेग की परिभाषा लिखी और वेग का सूत्र भी ज्ञात किया। आज हम पढ़ेंगे कि चाल है तो ये समान चाल की परिभाषा क्या होगी। समान चाल का मतलब अगर किसी वस्तु ने चलना स्टार्ट किया है और उसने जो दूरी तय की है और उसमें अगर समान समय लगा है तो वह उसकी समान चाल कहलाती है। जिस प्रकार कोई वस्तु है जिसने बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, बी पर पहुंची, बी से वही वस्तु बिंदु सी पर पहुंची और सी से वही वस्तु बिंदु डी पर पहुंची है और इस समय उसने बिंदु ए से बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय की और बिंदु बी से सी तक फिर उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की और बिंदु सी से डी तक फिर उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी बिंदु ए से बी तक 20 किलोमीटर, बी से बिंदु सी तक 20 किलोमीटर, सी से बिंदु डी तक 20 किलोमीटर की दूरी। और जब उसने ए से बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसे एक घंटे का समय लगा। इसी प्रकार बिंदु बी से सी तक उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसे एक घंटे का समय लगा। तो इसी प्रकार उसने सी से बिंदु डी तक दूरी तय की तो उसे एक घंटे का समय लगा। अगर इस प्रकार कोई वस्तु गति करती है तो उसकी यह चाल समान चाल कहलाती है, यानी उसने समान समय में समान दूरी तय की है, यह उसकी समान चाल होती है। अब अगर असमान चाल को परिभाषित करना है, अगर असमान चाल को परिभाषित करना है तो इसके लिए उसी प्रकार हम चार बिंदु बनाएंगे, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। यानी उस वस्तु के द्वारा समान समय में अलग अलग दूरियां तय की जाती है तो यह उसकी असमान चाल कहलाती है। किसी वस्तु के द्वारा समान समय में अलग अलग दूरियां तय की जाती है तो यह उसकी असमान चाल कहलाती है। यानी बी से ए से बी तक उसने 20 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय की और बिंदु बी से सी तक उसने 30 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय की और बिंदु सी से बिंदु डी तक उसने 40 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय की। इस प्रकार उसने समय तो समान किया है तीनों दूरियों में, लेकिन दूरियां अलग अलग है। बिंदु ए से डी तक एक घंटे में 20 किलोमीटर चली, बिंदु बी से बिंदु सी तक एक घंटे में 30 किलोमीटर चली और बिंदु सी से डी तक एक घंटे में 40 किलोमीटर चली। और इस प्रकार यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसकी यह गति या चाल है असमान चाल कहलाती है। इसी प्रकार हम वेग को पढ़ेंगे, समान वेग और असमान वेग। समान वेग किसी वस्तु द्वारा समान वेग की परिभाषा किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन तय किया जाता है तो उसकी यह उसका यह वेग समान वेग कहलाता है। जिस प्रकार कोई वस्तु है बिंदु ए पर और उसने बी तक और बी से सी तक यदि एक एक घंटे का समय लिया और दूरी भी उसकी समान थी 20 किलोमीटर की और 20 किलोमीटर की तो उसका वेग है वो समान वेग कहलाता है। यानी समान वेग का मतलब कोई वस्तु बिंदु ए से बी तक और बिंदु बी से सी तक उसका वेग है वो एक घंटे में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की ए से बी तक, बी से सी तक फिर एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की, उसका जो विस्थापन है यही उसका समान वेग कहलाता है। और अगर असमान वेग को परिभाषित करना हो, असमान वेग यानी किसी वस्तु का जो विस्थापन है वो समान समय में अलग अलग दूरियां है तो उसका असमान वेग कहलाता है। जिस प्रकार बिंदु ए से बी तक
और बिंदु बी से सी तक उसका समय एक घंटा है, परंतु विस्थापन यहाँ पर उसका 10 किलोमीटर विस्थापन है और यहाँ पर उसका 5 किलोमीटर विस्थापन है। तो इस प्रकार समान समय में अलग अलग विस्थापन ही उसका एस्मा वेग कहलाता है।